क्या आप लोगों ने दुबाली की शॉपिंग कर ली है? अगर नहीं करी है तो फटाफट से ये वीडियो ज़रूर देखना आप लोग, और पूरी वीडियो देख लेना क्योंकि इस मार्केट में 5 रुपये से ले तक 5000 और उससे अबव की चीज़ें आपको मिल जाएगी, फ्रॉम रंगोली टू डेकोरेटिव आइटम्स और सारी भी चीज़ें आपको इस मार्केट में मिल जाएंगी, और वो भी बहुत ही कम और रिजनेबल प्राइसेस पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निशु की दुनिया। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पे। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्कूटी पार्क कर दी है क्योंकि 52 नोएडा के सेक्टर 52 वाले मेट्रो स्टेशन पे वहाँ कोई पार्किंग नहीं है, तो यहाँ 51 पे ही मैंने पार्क कर दी थी अपनी स्कूटी। उसके बाद वॉक बाय वॉक हम लोग 52 मेट्रो स्टेशन पे गए थे, आस ही पास है दोनों। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दिल्ली की सदर मार्केट को बेसिकली। तो हम सबसे पहले चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन पे रुकेंगे, देन उसके बाद से वहाँ 2 आवर्स की डिस्टेंस पे प्रेस वाली गली है, तो हम आज उसको एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे मैंने सुना है कि डेकोरेटिव आइटम्स बहुत अच्छे मिलते हैं और लाइटिंग का सामान भी काफ़ी अच्छा और रिजनेबल प्राइस पर मिलता है। सो हम पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, वेट कर रहे हैं अपनी मेट्रो का, और आज मैं बहुत दिनों बाद यहाँ पर आई हूँ बिकॉज़ यूजली दिल्ली जाना होता नहीं है बिकॉज ऑफ यू नो सो मच ट्रैफिक इन दिल्ली, हम लोग इग्नोर करते हैं डेली जाना, बट आज जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हमने मार्केट पहुंच के पिया गन्ने का जूस क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही थी, और तो फिर सबसे पहले हमने गन्ने का जूस पिया। उसके बाद हम पहुंच गए मार्केट में, मतलब पूछते पाछते हम लोगों ने प्रेस वाली गली थोड़ी ली और यहाँ हम पहुंच गए शॉप पर। डेकोरेटिव आइटम्स को सबसे पहले हमने शॉप किया, हमने दिवाली आ रही है तो दिवाली के लिए हमने खूब सारी यहाँ से शॉपिंग कर ली थी इस शॉप से। सो ये दिए यहाँ पर आजकल जो होते ना ये बैटरी वाले दिए, तो वो बहुत अच्छी रिजनेबल प्राइजेस पर यहाँ मिल रहे थे, और आप देख सकते हो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के दिए और यू नो कैंडल्स। आजकल तो कौन ही मतलब दिए वगैरह जला है, तो ये बैटरी वाली होती है, नीचे से आप ऑन करोगे तो बिल्कुल दिए की तरह यू नो ये जलने लगेंगे, और पानी वाला दिया भी आजकल आ रहा है यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडी। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग कर ली, देख सकते हो आप डेकोरेटिव आइटम की पूरी पन्नी भर के मैंने यहाँ से शॉपिंग करी थी। देन उसके बाद हम आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी प्यारी मार्केट है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक की शॉप पे पहुँचे, आई मीन लाइटिंग खरीदने के लिए वहाँ पे पहुँचे हम लोग दिवाली की। तो देख सकते हो आप जगमगाती हुई पूरी मार्केट एकदम यू नो मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी, मतलब यहाँ पे सदर मार्केट पे। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पे यू नो दिए आई हैं और लाइटिंग बहुत ही अच्छी अच्छी, देख सकते हो फ्लावर वाली भी है यहाँ पे, दिए वाली, स्टार वाली, और ये देखो प्लांट भी है यहाँ पे इस तरीके से, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया मतलब लाइटिंग की वेराइटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी और बहुत रीजनेबल प्राइस थे यहाँ पे, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 75 रुपीज टू यू नो 5000 और अबव जितने की आप खरीदना चाहो वहाँ पे थी। ये देखो ये लैम्प भी हैं यहाँ पर आजकल चल रहे हैं लाइटिंग वाले लैम्प, और ये बिल्कुल डीजे वाली लाइट्स जो होती हैं वो भी है। तो ये हर्ष रिबन हाउस के जस्ट सामने एक शॉप थी, तो हमने वहीं से यू नो ये लाइटिंग का सारा सामान खरीदा, तो हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ से भी सामान खरीद लिया लाइटिंग का। तो मैंने क्या क्या खरीदा वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर ज़रूर करूँगी, तो आप लोग वो भी ज़रूर देखना। तो ये पूरी मार्केट आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर रश है, और डेकोरेटिव आइटम्स तो बहुत ही अच्छे थे, मतलब झालर और यू नो जो हम गेट पर लगाते हैं हैंगिंग वाली वो भी बहुत ही अच्छी अच्छी और रिजनेबल प्राइस पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो देख सकते हो आप पैर लगाने वाले स्टिकर्स और ये दिया तो इतनी प्यारी प्यारी डेकोरेटिव्स थी ना यहाँ पे, देख सकते हो आप इस तरीके से आपको मिल जाएगी, और इसकी प्राइसेस 75 रुपीज़ से स्टार्ट थी, आप जितने मर्जी चाहे उतनी एक्सपेंसिव ले सकते हो। ये देखो ये भी जस्ट रुपीज़ आई मीन 200 रुपीज़ का था ये पूरा सेट दिए का, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया झालर लटकन जो भी आप खरीदना चाहते हो वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देख सकते हो आप बिल्कुल। ये होलसेल मार्केट बेसिकली, यहाँ होलसेल में लोग यू नो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है सदर बाज़ार में, और स्पेशली ये प्रेस वाली गली में क्योंकि छोटी सी गली है और आमने सामने दुकानें हैं। तो हम लोग यहाँ लटकन की दुकान पर पहुँच गए लेकिन भैया यहाँ पर थे नहीं, तो हमने इसे सिर्फ एक्सप्लोर किया। ये लोग यू नो होलसेल में डील कर रहे थे, रिटेल में नहीं कर रहे थे, लेकिन हमें तो रिटेल में चाहिए था। सो हम दूसरी शॉप पे पहुंच गए और फिर हमने ये देख सकते हो आप ये जो झालरें हैं ना यहाँ पे बहुत ही सही मतलब रेट में मिल रही थी। आप लोग यहाँ पे ज़रूर यू नो एक्सप्लोर करना, स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो 75 रुपीज़ से स्टार्ट था। तो यहाँ पे ये लैम्प, फिर हम लोग यहाँ पे यू नो हमने लाइटिंग खरीद ली, फिर हमने यहाँ पे दिवाली के लिए कैंडल्स वगैरह और थोड़े गिफ्ट वाले आइटम्स खरीद लिए देने के लिए। सो ये बहुत ही प्रिटी प्रिटी यहाँ पे
आपको ये कैंडल्स वगैरह मिल जाएगी। देखो स्पार्कल वाली कैंडल भी थी यहाँ, स्पेशली ये फ्लावर वाली कैंडल गिफ्टिंग पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। इसकी ये जो लैम्प है ना यहाँ पे, इसकी कॉस्ट आपको 150 रुपये से स्टार्टिंग थी यहाँ पर। जितना बड़ा लोगे एज पर दैट आपको ये मतलब मिल जाएंगी। तो ये सेंटेड सेंटेड भी यहाँ पे कैंडल्स थी इनके पास, इस तरीके की थी। आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो, बहुत ही स्टार्टिंग फ्रॉम 30 रुपीज़ से यहाँ पे स्टार्ट था ये मतलब कैंडल्स वगैरह। और जितनी रेंज में आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो। ये इसकी प्राइसेस ऑलमोस्ट 150 रुपये से स्टार्टिंग थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 20 रुपीज़ से यहाँ स्टार्ट था, जितना आप लेना चाहो उस हिसाब से ले सकते हो। तो लैम्प्स वगैरह भी लाइटिंग का सारा, कैंडल्स बहुत ही प्यारी प्यारी स्पार्कल वाली कैंडल, सेंटेड कैंडल, और स्पेशली वो पानी वाली दिया आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, और पानी वाली कैंडल भी चल रही है, और बैटरी वाली जो कैंडल होती है ना, कैंडल होती है आजकल, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो यहाँ पे वो भी बहुत ही ज़्यादा बिक्री थी और ट्रेंडिंग थी। तो हमने भैया से पूछा तो वो बोले थे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो हमने वो भी खरीद लिए थे। वो यहाँ पे मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि हमने पानी वाले दिए भी खरीदे थे और कैंडल्स खरीदी थी। तो हम और आगे पहुंच गए, इसे खरीदने के बाद हमने झोला भर लिया, भैया ने हमें काफ़ी अच्छा बैग दिया था लेकिन वो रास्ते तक चला नहीं, फट गया। फिर हमें अल्टीमेटली एक दूसरा बड़ा बैग खरीदना पड़ा। फिर आप जब इस गली से बाहर आओगे ना तो ये मैंगो शेक वाली दुकान आपको मिलेगी, तो इस गली के अंदर ही एक भैया ये बहुत ही अच्छे डेकोरेटिव आइटम्स बेच रहे थे। स्पेशली दिया रख सकते हो, कैंडल्स होल्डर थे यहाँ पर, बहुत ही प्यारे प्यारे थे। ये देख सकते हो इस तरीके से बल्ब, ये देखो आपको बैटरी वाले हैं ये, बिल्कुल वैसे ही मतलब आप लैंप भी जला सकते हो, दिए भी जला सकते हो, बहुत ही प्यारे आइटम्स से। मतलब आप यहाँ पे आओगे ना तो आप मतलब झोला भर भर के यहाँ से लेके जाओगे, इतना प्यारे प्यारे आइटम्स से। तो हम गली से बाहर निकले और उसके बाद ये सदर मार्केट लगी थी, यहाँ पे फिर ये मैंने हैंकी का सेट भी खरीद लिया, बहुत ही अच्छे और रिजनेबल प्राइस में मिल रहा था। तो और आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमने शॉपिंग कर ली, उसके बाद हम कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर पहुँचे और हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी, तो हम यहाँ पे मैकडी का बर्गर हमने खाया, पूरी मील एक हमने इंजॉय करी। देन मील इंजॉय करने के बाद फिर से हमने पकड़ी अपनी मेट्रो और वापस हम आ गए घर। तो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हाँ हमने बहुत ही अच्छे से इसे एक्सप्लोर किया और हमने खूब सारी शॉपिंग करी। तो मैंने क्या क्या शॉपिंग करी वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।